नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं फिर से यार पूजा सीएनजी मास्टर्स पे आ गया हूँ, और जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी एक बहुत ही अनकॉमन गाड़ी की सीएनजी इंस्टॉलेशन की। वीडियो को पूरा देखना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ कौन सी है। सो ये है यार मर्सिडीज C200, ये 2012 मॉडल है, जो कि आज सीएनजी फिटमेंट के लिए आई हुई है। इसका काम अभी स्टार्ट होने ही वाला है, C200 कंप्रेसर। तो देखते हैं इसका ओवरऑल प्रोसेस और ये कितनी डिफरेंट फिटमेंट रहेगी बाकी गाड़ियों से, वो भी देखते हैं। ओके, तो यार गाड़ी के आगे स्पेस तो काफ़ी दिख रहा है मुझे सीएनजी लगाने के लिए। ये इसका रिड्यूसर और प्रेशर गेज, और ये इसको फिलिंग वॉल्व के साथ, ये भैया अभी इसकी वायरिंग कर रहे हैं। फिलिंग वॉल्व ये इधर लगा हुआ है, और ये है इसका इंटेक मैनिफोल्ड, ये येलो कलर की जो वायर है। ये ECM इसका लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है, अभी इसको फिक्स करना है, मतलब वायरिंग करनी है इसकी। यार ये एयर फिल्टर आई थिंक अभी भैया इसमें लगाएंगे। एयर फिल्टर के नीचे से इनटेक मैनिफोल्ड जो है वो इंजेक्टर से कनेक्ट किया है, मतलब फिक्स किया है। तो आई थिंक ये जगह नहीं होगी, इसलिए एयर फिल्टर को हटा के इन्होंने ये इनटेक मैनिफोल्ड, जो ये जो येलो वायर है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये इंजेक्टर्स के साथ कनेक्ट किया है। और यही वायर जो है ये बाकी कंपोनेंट्स के साथ भी फिक्स होगी। तो इंस्टॉलेशन मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है इसमें। जो भी सेंसर्स वगैरह इसके अंदर ये लोग लगाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। ये भैया अभी इसका एयर फिल्टर का कवर इसके ऊपर लगाएंगे, तो अभी इनटेक मैनिफोल्ड जो है वो इंजेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ये भैया अभी एयर फिल्टर का कवर लगा रहे हैं इस पे, एयर फिल्टर लग चुका है। एयर फिल्टर हटा के ही जो इंटेक मैनिफोल्ड है जो कि इंजेक्टर से कनेक्ट होती है और बाकी सेंसर्स से भी कनेक्ट होती है, थ्रॉटल बॉडी से भी इंटेक मैनिफोल्ड कनेक्ट होती है, तो वो लगा चुके हैं ये लोग। इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो 185 BHP का इंजन है इसका, 235 टॉर्क इंजन की। तो अब ये CNG पे चलेगी। जो कंपनी है वो CNG की, वो है ब्रांड जो है वो है ई ग्रीन। तो ई ग्रीन कंपनी की CNG इसमें फिटमेंट हो रही है। बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको अभी दो तीन जो लग चुके हैं वो मैंने आपको दिखा दिए, और भी इसमें जो सेंसर्स लगेंगे अभी उसको भी देखते हैं क्या क्या लगेगा, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो यार गाड़ी में ECU जो है परफॉर्मेंस जज करने के लिए काफ़ी सारे सेंसर्स का यूज़ करता है, जैसे कि हुआ अपना थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है, तो मैप सेंसर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है CNG का। तो भैया अभी ये इंटेक मैनिफोल्ड को मैप सेंसर से ही एक्चुअली कनेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने जो इंटेक मैनिफोल्ड है उसको यहाँ पे पकड़ के मैप सेंसर जो है ये मैप सेंसर से कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको मैं एक मोटा मोटा लैंग्वेज में बताऊं तो मैप सेंसर जो है वो ECU यूज़ करता है मैप सेंसर को एयर फ्लो जज करने के लिए, एयर फ्लो के रेट को एक्चुअली जज करने के लिए, जो स्पेसिफिकली ECU CNG के लिए लगता है वो, ये आप देख सकते हैं। ये है मैप सेंसर और ये इनटेक मैनिफोल्ड को भैया जो है मैप सेंसर से कनेक्ट कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द एयर फ्लो रेट, जो ECU है वो इग्निशन की टाइमिंग को एडजस्ट करता है। तो मैप सेंसर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी CNG का। बेसिकली कभी भी अगर आपकी गाड़ी में जो इंजन है वो लोड नहीं ले रहा है, जैसे कि एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल आप रेस दे रहे हो और गाड़ी उसके अकॉर्डिंग उठ नहीं रही है, तो मैप सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। और पिकअप में अगर दिक्कत है, मैं ये स्पेसिफिकली CNG गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, अगर पिकअप में दिक्कत है तो भी मैप सेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रूज़ को इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू मैप सेंसर से कनेक्ट कर दिया भैया ने। तो यार मैप सेंसर जो है ये इंजेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो चुका है, चारों इंजेक्टर्स के साथ कनेक्ट अप हो चुका है, और बाकी ये इसका कनेक्शन जो है ये ECU से भी कर दिया जा चुका है। ये आप देख सकते हैं भैया अभी फ़िलहाल जो है फाइनल इसकी फिटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसमें लग चुका है मोटा मोटा, वो इन्हीं भैया से पूछते हैं। ये ज़्यादातर यहाँ मर्सिडीज़ वगैरह में जो CNG फिटमेंट जो है वो यही भैया करते हैं। एक बार इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या इसके अंदर लगा दिया है और कितने डिफरेंट जो है वो CNG इसमें इंस्टॉलेशन मर्क में होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर व्हीकल्स।
तो चलते हैं और इनसे ही पूछते हैं, भैया इसमें क्या क्या लग चुका है? हाँ रेड्यूसर, फीलिंग हाँ वाल्व, ठीक है इंजेक्टर नोजल ठीक है, और मैप सेंसर, मैप सेंसर ठीक है वायरिंग हार्नेस ठीक है और ECM। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स इसमें लग चुके हैं। अब भैया ये बताओ कि इसमें जो CNG लगाने का जो तरीका है वो सिमिलर है बाकी गाड़ियों से, या इसमें कुछ अलग तरीका है लगाने का? हाँ जी, इसमें अलग है इसमें अलग है ठीक है, जी। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये भी बता दो एक बार। जो हमने डायरेक्ट जो सुराख किया ना, हाँ उसमें हाँ हमने इंपोर्टेड सुराख करे हैं ठीक है, इम्पोर्टेड जैसा। सुराख करें हाँ ठीक जी, है। अच्छा तो उससे क्या होगा? जो पेट्रोल इंजेक्ट होके जाता है वहीं से हमने गैस इंजेक्टर इंजेक्ट होके जाएगी। अच्छा तो जिस तरीके से मर्सिडीज में पेट्रोल इंजेक्ट होता है वैसे ही CNG इंजेक्ट हो गया, अब ये कह रहे हो है ना? हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू इससे पिकअप बढ़ेगा। ठीक है। तो ये है यहाँ के एक्सपर्ट भैया जो कि मर्सिडीज में CNG लगाते हैं। तो ये मर्सिडीज़ का पूरा काम हो चुका है CNG का, शाम हो गई होते होते, अब ये देख सकते हैं इंजेक्टर्स कितनी फिनिशिंग से जो है यहाँ पे होल्ड किए हैं। जो इंस्टॉलेशन है बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल लेवल की हुई है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि यू नो देख के ऐसा नहीं लगेगा कि CNG गैस लगी हुई है। किसी भी चीज़ का हमने जो इंटरनली है बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सब कुछ जो है प्रॉपरली क्लैम्प्ड किए हैं आप देख सकते हैं। तो देख के मतलब ऐसा जुगाड़ वाला कोई भी काम नहीं किया, हालांकि जो जुगाड़ हैं वो इंस्टॉलेशन में थोड़े बहुत मर्क में करने पड़ते हैं, बट स्टिल एज यू कैन सी ये देख सकते हैं आप जो ECM है वो यहाँ इधर होल्ड किया हुआ है ताकि इस पे हीट का कोई इफेक्ट ना पड़े ना और किसी चीज़ का पड़े इफेक्ट। और बाकी जो प्रॉपर पाइप्स वगैरह हैं उनकी जो क्लैंपिंग है आप देख सकते हैं ये इस तरीके से साइड साइड पे कर दी है। तो गाड़ी के इंटरनल पार्ट्स का कुछ भी यूज़ नहीं किया, जो क्लैंप्स वगैरह हैं अलग से इंस्टॉल करें ताकि बिल्कुल भी जुगाड़ वाला काम ना लगे ये और देखने में एकदम प्रोफेशनल वर्क लगे। तो ये अभी फ़िलहाल आगे की बोनट की सिचुएशन है इसकी। तो ये चेंज ओवर स्विच की पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ ड्राइवर साइड पे, जस्ट एंटर करते ही ये इधर राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पे लगाया गया, तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें विजिबिलिटी CNG और पेट्रोल की आराम से दिख जाएगी यहाँ पे। तो यही सबसे बेस्ट पोजीशन लग रही थी तो यहीं फिक्स किया है इसको। तो पीछे स्टैंड भी इंस्टॉल हो गया है इसके, जैसा कि दिख रहा है इसमें मैं फ्लैश लाइट जला देता हूँ, अंधेरा हो चुका है क्योंकि मैंने बताया शाम हो चुकी है, इंस्टॉल करते करते काफ़ी टाइम लग गया। तो ये स्टैंड जो है सबसे पीछे बिना किसी भी स्पेस का बूट स्पेस का यूज़ करते हुए ये स्टैंड जो है पीछे शासी के जस्ट ऊपर लगाया है। 14 kg का इसके अंदर सिलेंडर लगेगा, अभी सिलेंडर रख के पूरा इसको कवर करके मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो यार अब ये कवर वगैरह सब लग चुका है इस पर और ये हो चुकी है इसकी फिटिंग, ये देखिएगा ये देखिएगा इस पूरा का पूरा बूट स्पेस एज इट इज़ शो करने के लिए रखा हुआ। अभी स्पेयर व्हील जो है इसका आगे पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बूट स्पेस एज इट इज़ आपको मिल जाता है इसमें। 14 kg का सिलेंडर, ओवरऑल वेट है इसका 70 kg और डेंसिटी 14 kg है इसकी, और इसमें समवेयर अराउंड 12 kg के अराउंड गैस जो है आप फिल करवा सकते हैं विंटर्स में, गर्मियों में 11 के अराउंड आ जाती है इसमें। तो ये है इसका ओवरऑल लुक पीछे का। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अब ये फर्स्ट टाइम CNG पे हो चुकी है अपनी मर्सिडीज C200 स्टार्ट। ECM को प्लग के थ्रू कनेक्ट कर दिया लैपटॉप से प्रोग्राम करने के लिए, तो अभी ECM में जो है इसकी ट्यूनिंग करके जो सेटिंग्स है वो मैप कर देंगे। सो यार CNG फिटमेंट अब कंप्लीट हो चुकी है, ECU में सारी की सारी सेटिंग्स ट्यून करके सेव कर दी हैं, सारे के सारे सेंसर जो भी मैंने आपको पहले बताए थे जो ECU से कनेक्टेड है वो सारे वैलिडेट कर लिए हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो सारे परफेक्टली ट्यून्ड हैं। इंजन के अंदर जो CNG गैस है वो अप्रोप्रिएटली जा रही है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। ओके तो ये थी पूरी इंस्टॉलेशन यहाँ तक। अब अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट पड़ती है 45,000, 45,000 से स्टार्ट होती है इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन विच इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट करने के साथ 45,000 है। जितनी अच्छी आप किट लेंगे उतना अमाउंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। किसी भी बंदे के पास ये सेम मॉडल है मर्सिडीज़ का तो ये जो नंबर आ रहा है नीचे आप इस पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ये मिस्टर विकास हैं यही ओनर हैं,
अगर आपको इंडायरेक्टली कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो दिस वाज द ओवरऑल वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, आई होप यू आर स्टेइंग सेफ इन कोविड टाइम्स। मास्क ज़रूर पहनना यार, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, स्टे सेफ फॉर नाउ एंड गुड डे, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।